और वाराणसी से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। वाराणसी में चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भदैनी में एक लड़के ने चार लोगों की हत्या की, पत्नी और तीन बच्चों को गोली मारी गई। पत्नी बच्चों की हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। तो वाराणसी से ये बहुत बड़ी खबर है जहां पर चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि एक शख्स ने अपनी ही पत्नी और तीन बच्चों को गोली मारी है जिसके बाद वो फरार है। वाराणसी में चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। रवि पांडे से अपडेट लेते हैं। रवि पांडे, पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? जी देखिए, पुलिस मौके पर पहुंच के मामले की जांच कर रही है। भदैनी का ये क्षेत्र है, एक मकान मालिक है जिसने अपने बच्चों समेत, तीन बच्चों समेत अपनी पत्नी को गोली मार दिया और तीनों और चारों की मौके पर मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके की जांच कर रही है और जो गोली मारने वाला व्यक्ति है राजेंद्र, वो फरार हो गया है। पुलिस उसके तलाश में कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए। तो फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच कर पूरे मामले में लग गई है। बिल्कुल, ये घटना कितनी देर पहले की है और मौकाए वारदात पर या फिर जहां पर ये पूरी घटना हुई है वहां किस तरह का क्राइम सीन फिलहाल दिखा है, कोई जानकारी? गोलियां चलने के बाद पूरे इलाके में फैल गई, हड़कंप मच गया, क्योंकि एक साथ चार गोली चलने से पूरे क्षेत्र में एक तरह से दहशत हो गई। लेकिन जब तस्वीरें सामने आई तो पूरा का पूरा एक जो डर है वो व्याप्त दिखा गया पूरे क्षेत्र में। लोगों ने, स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। बड़ी बात यह है कि जो आरोपी है वो गोली मारने के बाद फरार होने में कामयाब हो गई। पुलिस का जो कहना है कि उनकी प्राथमिकता यह है कि सबसे पहले जो आरोपी राजेंद्र है उसको पकड़ा जाए। आस पड़ोस ने क्या बताया, आखिर क्या वजह है कि एक पति ने अपने ही पूरे परिवार को खत्म कर दिया? गोली जिस रिवॉल्वर से चलाई, क्या वो लाइसेंसी रिवॉल्वर थी? क्या डिटेल्स है अभी तक रवि? जी देखिए, अभी तक ऐसा कोई चीजें सामने नहीं आ पाई है कि जिस पिस्टल से मारा गया है वो लाइसेंसी है या फिर अवैध है। लेकिन जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका कहना यह है कि जो राजेंद्र है वो पहले से जो एक गुंडे प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा है, उसके अपने पिता से भी खाता रंजित रही है, उनको भी मारना पीटना रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि अपने पिता का जो हत्या है वो राजेंद्र ने ही किया है और लगभग 15 साल बाद उसने अपने पत्नी और तीनों बच्चों को मारा है। लेकिन पूरी बातें जो है वो अभी जांच पर लटकी हुई है, कुछ भी कहना थोड़ा जल्दी है। पूरी पुलिस जांच कर रही है और पहली जो जो प्राथमिकता है वो आरोपी को पकड़ने की है। बिल्कुल, तो प्राथमिकता आरोपी को पकड़ने की है और लोग बता रहे हैं कि वो फितरतन अपराधी प्रवृत्ति का रहा है और उसने अपनी पत्नी और तीन बच्चों को गोली मार दी है। क्या उम्र बच्चों की रही होगी? क्या इससे पहले इसका परिवार के साथ कोई अनबन या झगड़ा चल रहा था? रवि जी बिल्कुल, देखिए अगर आस पड़ोस की अगर बात माने तो उनका कहना यही है कि अक्सर करके इसी मारपीट की घटना घरों से आवाज आती रहती थी, अपने पत्नी को अक्सर करके मारना पीटना इसका आदत रहा है। और जो बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चों की उम्र अभी 10 से 12 साल के लगभग तीनों बच्चों की उम्र बताई जा रही है। और मामला सामने यही है कि आपसी जो विवाद रहा है वो गोली मारने का कारण बना हुआ है। आपसी विवाद गोली मारने का कारण है? क्या कोई प्रॉपर्टी संबंधी भी विवाद हो सकता है? आखिर क्या कारण है कि एक शख्स ने पत्नी को तो मारा ही, अपने तीनों बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया? जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा ये घटना बनारस में घटा है कि अपने पत्नी समेत तीन बच्चों को मौत के घाट उतार देना एक बहुत बड़ी घटना मानी जा रही है। हालांकि जो पुलिस है वो सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि पति पत्नी में विवाद हुआ होगा और उसके बाद ऐसी बड़ी घटना को एक बाप ने अंजाम दिया होगा, लेकिन अभी कोई प्रॉपर्टी की बात सामने नहीं आ रही है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है और हर बिंदुओं पर उसने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, फिलहाल जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण ने राज्य के गृह मंत्री अनीता को खरी खोटी सुनाई और साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा बनने की सलाह दी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं गृह मंत्री होता तो हालात अलग होते। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि अपराधियों से वैसे ही निपटा जाना चाहिए जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ शासन से इनसे निपट रहा है। మీకు ఎలా ఉండాలంటే ఇలాంటి క్రిమినల్స్ కి ఉత్తరప్రదేశ్ లో యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు చేసినట్టుగా చేయాలి మీ అందరికీ, అప్పుడు కానీ మీరు మాటెండ్రు, ఇంకా అలాంటి పరిస్థితిని నెట్టేస్తారు మమ్మల్ని అందరినీ మీరు। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तारीख टलने पर अखिलेश यादव के आरोपों पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश बेवजह इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं, चुनाव 7 दिन पहले हो या बाद में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव आयोग को चुनाव
हटाना, चुनाव कराना, ये चुनाव आयोग का फैसला है। अखिलेश यादव जी इतने सीनियर लीडर हैं, उन्हें चुनाव आयोग पे भरोसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे इन्हें भरोसा नहीं। कहते हैं साहब मोदी जी चला रहे हैं, संसद पे इन्हें भरोसा नहीं, सरकार पे इन्हें भरोसा नहीं, और तो और इलेक्शन कमीशन पे इन्हें भरोसा नहीं। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान ना करें अखिलेश जी। चुनाव 10 दिन पहले हो या 10 दिन बाद, जीतना जिसे है वो जीतेगा और हारना जिसे वो हारेगा। तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी को अपनी हार की चिंता है। ठीक है, 10-15 दिन और खुश होने, रिजल्ट आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।